नमस्कार, मेरा नाम मीना है। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ झटपट बनने वाली बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सैंडविच की रेसिपी। जिस तरीके से मैं आपको बताऊंगी, अगर आप इस तरीके से बनाते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी। और आप इसे जब भी लेट होते हैं तो नाश्ते में जूस के साथ, कॉफ़ी के साथ और हरी चटनी के साथ भी खा सकते हैं। आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। सैंडविच बनाने के लिए मैंने लिया है आधा टमाटर, आधा शिमला मिर्च, थोड़ा सा पत्ता गोभी, आधा प्याज, आधा गाजर और आधा खीरा। इन सभी को मैंने बारीक बारीक काट लिया है। आपको जितना हो सके इससे बारीक बारीक काटना है, इसके वजह से टेस्ट और अच्छा आता है। अब हम इसमें डालेंगे 1/4 काली मिर्च का पाउडर, 1/4 चाट मसाला, 1/4 नमक। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा चाट मसाला में और बटर में थोड़ा नमक पहले से ही होता है, तो आपको ज़्यादा नहीं डालना है। अब हम डालेंगे मेयोनीज, इसको अच्छे से मिला देंगे। इसके बाद हम ब्रेड के 4 स्लाइस लेंगे, सभी के कॉर्नर्स को इस तरीके से काट देंगे। अब हम ब्रेड का एक स्लाइस लेंगे और इसमें इस तरीके से बटर लगाएंगे। आपको सभी स्लाइस में इस तरीके से बटर लगाना है। अब हम इसमें डालेंगे सब्जियों का मिक्सचर जो हमने पहले बनाया था, अच्छे से फैला देंगे। तो अब हमारा सैंडविच बनके रेडी है। हम इसी तरीके से दूसरे सैंडविच को भी बना लेंगे। अब हम इसको बीच से कट कर लेंगे इस तरीके से। अब हमारा सैंडविच बनके रेडी है। आप देख सकते हैं ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा बना है, ये काफ़ी ज़्यादा टेस्टी भी है। इसको आपको एक बार ज़रूर ट्राई करनी चाहिए। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसे लगी। मिलती हूँ मैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।